मान ले मैं करोड़पति बन जाऊँ तो मैं कह ले लेते तू ले ले 50,000 तू ले ले। अभी ना बन रहा मैं बता रहा हूँ तो है ना, ठीक है 50,000 तू ले ले, 50,000 तुम ले लो, 50,000 तुम ले लो, चलो ले लो बिना आइडेंटिफाई करे हुए। बस लग रहा तूने कह दी हाँ सर जी मेरे को थोड़ी ज़रूरत है, मन के अच्छा ले निकाल। हेलो बच्चों तो कैसे हो, ज़्यादा टाइम ना है, है ना ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन बताना है। देखो कौन बताएगा, जो बताएगा उसे पेन मिलेगा, ठीक है जो इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा उसे पेन मिलेगा। इसमें दो क्वेश्चन छपे हुए हैं, दो क्वेश्चन छपे हुए हैं। पहले तो आप ये बता दो कि दोनों में प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है, ठीक है ना, सेम बन रहा है, सेम प्रोडक्ट बनेगा। पेन है मेरे पास, बॉल पेन है, 5 रुपये वाला पेन है, ठीक है ना, ये रहा देखो बहुत टॉप का पेन है, है ना, ये पेन में जो नहीं यूज करना नहीं है अभी, रुक जा। ओके सो बच्चों ये पेन है, आज गिफ्ट दिया जाएगा, ये पेन बटेंगे, 5 पेन मेरे पास अभी है, ठीक है ना, बाकी देखेंगे। सो देखो बताओ इसके अंदर अगर इस ये जो सबस्ट्रेट है इस पे अगर हमने एक्वस क्योज की रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। अब चलो मैं प्रोडक्ट बता दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन तो फेल हो गया, दूसरा क्वेश्चन पकड़ते हैं, ठीक है ना, पहले प्रोडक्ट देख लो क्या बनता है, फिर कारण बताना क्यों बनता है, ठीक है ना। तो इस वाले केस में बनेगा एक्वस क्योज, जो भी मैंने तुम्हें बताया था प्रोडक्ट बनेगा CH3 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 OH + KCl, ठीक है ना। इस वाले में जो प्रोडक्ट बनता है वो तुम्हारी उम्मीद से भी परे है ना, CH2 double bond CH, ठीक है सॉरी C single bond CH3 single bond CH3 + KCl, दिस इज द प्रोडक्ट व्हेन एल्कोहलिक KOH रिएक्ट्स विद दिस सबस्ट्रेट। ओके सो माय क्वेश्चन इज दैट व्हाई, क्यों ऐसा क्यों हुआ कि इसमें एल्कोहलिक KOH की वजह से एल्कीन बन गया, क्या बन गया एल्कीन, और इसमें एक्वस KOH की वजह से क्या बन गया एल्कोहल, है ना समझ रहे हो ना, एल्कोहल। एल्कोहल ने KOH को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना दिया, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है इलेक्ट्रोफाइल पर जाता है, जुड़ता है ना, कहीं जुड़ा है इसमें, फिर यहाँ तो कहीं जुड़ा ही नहीं है, OH माइनस जो है बाद में बनेगा, क्या बाद में इस वाले में बनेगा प्लस HOH, इस वाले में प्लस, इसमें क्या बन रहा OH तो जुड़ेगा, इसमें HOH नहीं बन रहा, ठीक है मतलब इसमें वाटर बना है, इस वाले में वाटर नहीं बना है, ठीक है। सो क्वेश्चन है ऐसा क्यों हुआ है, कौन बताएगा, जो बताएगा उसको एक पेन मिलेगा, एक नहीं दो दे दूंगा, पूरा पैकेट दे दूँ क्या, अरे हाँ तो बड़ा खुश हुआ पैकेट के नाम पे ना। इसमें है 1 2 3 4 5 पेन अभी मेरे पास में है, और ये पेन मिलेंगे बहुत बढ़िया, कौन सी कंपनी का पता नहीं, है ना ट्राईमेट सेलो का है, अच्छा पेन है, ठीक है। तो ये पेन बटेगा, है भाई कैसे कहते हैं नहीं कद्दू कटेगा सब में बटेगा, है ना ठीक है ना। बताओ भाई जल्दी बताओ आंसर बता दो इसका, पहले तो ये बताओ क्वेश्चन समझ पा रहे हो, और ये कह रहा क्वेश्चन ही ना समझ पा रहा भैया, ऐसा हुआ है कि यहाँ दो रिएक्शन हो रही हैं, और एल्कोहलिक KOH वाले केस में तो ये हो रहा है, और एक्वस KOH वाले केस में ये हो रहा है, ठीक है, जबकि दोनों में ही टूटेगा K+ और OH- बस एक मिनट सर, ठीक है बताओ भी बताओ। सो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन क्या है कि इसमें एल्कीन बना है और इसमें एल्कोहल बना है, एक्वस KOH में एल्कोहल बनता है, एल्कोहलिक KOH में एल्कीन बनता है, ऐसा क्या हुआ है इसके अंदर, जल्दी जो बताएगा उसको एक पेन मिलेगा। तो एल्कीन कैसे बन गया, एल्कोहल पहले कहाँ था बताओ, वो तो एल्कोहल है वो बन गया, इस वाले केस में ये क्यों बन रहा है, कहाँ है, अच्छा ये बढ़िया कंसेप्ट होता है कि एल्कोहल लिखे हुए थे तो वो तो एल्कोहल है ही, तो काय को बनेगा है भाई, बहुत बढ़िया है ना, फिर एल्कोहल जब है तो एल्कोहल क्यों बनेगा यार, ऐसी कंसेप्ट तो बहुत अच्छी बताई थे ना ये तो सोचा ही नहीं था, डीप में क्वेश्चन लेकर आया आपने, अजीब आंसर बता दिया है एल्कोहल, चलो ठीक है। आप एक बताओ एल्कोहल ही एकमात्र अंतर है दोनों रिएक्शन में, है ना, एल्कोहल यहाँ पर एक्वस यहाँ पर, तो एल्कोहल ने ऐसा क्या किया जो ये रिएक्शन हो गई, बस ये क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों में OH तो है बराबर,
बस अल्कोहल ही है जो नया है ना, एक्वस और अल्कोहल। तो अल्कोहल ने ऐसा क्या किया, नहीं बता पा रहे है, नहीं बता पा रहे, ठीक है कोई दिक्कत ना। देखो ऐसा बता, अरे यार अब हो जाने वायरल तो पहले से तो क्वेश्चन तो कर ले भाई, है ना, चल रही है ठीक है। देखो एल्कोहल, एल्कोहलिक के ओ एच, एल्कोहल क्या होता है पहले तो इसको समझो, एक्वस क्या होता है। देखो एच ओ एच, ठीक है एच ओ एच, इसमें ओ एच माइनस फंसा हुआ है, वही तो एक्वस बोलेंगे कि एक्वस में के ओ एच, चलो के लग देते हैं, के प्लस ओ एच माइनस, ठीक है। तो बताओ ये ओ एच माइनस यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं शो करेगा, ठीक है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं शो करेगा, कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बैटरी है, चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बैटरी है। इसको जरा उससे कन्वर्ट कर लो एल्कोहल से, कि एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, आर ओ एच, पता ना ऐसे करके, ठीक है और आर ओ एच, और यहाँ पर ओ एच माइनस है। इस वाले केस में ये माइनस चार्ज कितनी कितनी जगह सेटिस्फाइड होगा, दो जगह। अब ऐसे समझ लो, इसका नेगेटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ इसके अंदर ही सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज बाहर के लिए अवेलेबल होगा, नहीं होगा, कम होगा, होगा तो कम होगा। ये वाला बाहर के लिए मोर मोर चार्ज, समझ रहे हो ना, इस वाले केस में क्या होगा, चार्ज ज़्यादा हो गया, ठीक है, और इस वाले केस में क्या हो गया, चार्ज कम हो गया, लेस चार्ज, लेस चार्ज। और जब लेस चार्ज होता है ना, तो वो जो मतलब जो भी यहाँ ओ एच माइनस जब लेस चार्ज होगा तो ये एक्ट करेगा एज एन न्यूक्लियोफाइल, समझ रहे हो, तब ये कैसे काम करेगा, एक्ट एज एन ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की पहली कंसेप्ट क्या थी, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और डोनेट के बाद में वो सबस्ट्रेट पर जुड़ जाते हैं, यहाँ सबस्ट्रेट पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ओ एच माइनस से कैसा काम करा है, ये वाला ओ एच माइनस कैसे काम करा है यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल वेट करेगा, वो दोनों जो भी रिएक्शन है, SN1 हो या SN2 हो, चीज अलग है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। इस वाले केस में, इस वाले केस में ओ एच माइनस पर कैसा है, मोर चार्ज, ज़्यादा चार्ज है, ज़्यादा चार्ज वाले केस में ये काम करेगा एक्ट एच बेस, ठीक है, कैसे काम करेगा, बेस की तरह। तो न्यूक्लियोफाइल में और बेस में ये डिफरेंस है, पहली बात तो है ना, कि बेस जो होते हैं हाईली चार्ज होते हैं, है ना, बेस क्या होते हैं, बेस हाईली चार्ज होते हैं न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है, चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर बात आपके। तो जो हाई चार्ज होगा, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है तो तुम क्या करोगे, तुम पैसा फेंकोगे, है ना, तुम वहाँ पर ये भी नहीं देखोगे किसको देना है, बस तुम्हें जो कोने पर मिल जाएगा उसे पैसा फेंक दोगे, नहीं ना, मान ली मैं करोड़पति बन जाऊँ तो मैं कहवा ले ले, चल तू ले ले 50,000 तू ले ले, अभी ना बन रहा मैं बता रहा हूँ तो, है ना, ठीक है 50,000 तू ले ले, 50,000 तुम ले लो, 50,000 तुम ले लो, चलो ले लो, बिना आइडेंटिफाई करे हुए, बस लग रहा तूने कह दी हाँ सर जी मेरे को थोड़ी ज़रूरत है, मन के अच्छा ले निकाल, ठीक। अगर मेरे पास करोड़ रुपया है तो मैं इसे 50,000 दे दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं होनी, ठीक है ना, क्योंकि और मैं ना इसका ऑब्जर्वेशन करूंगा कि इसको जरूरत है नहीं है, बस लगेगा हाँ गरीब सा है, ठीक है ले लो इधर, ठीक। लेकिन अगर मेरे पास 50,000 नहीं, सिर्फ 50 रुपया है, वह ठीक है, अगर मेरे पास 50 रुपया है भाई, अगर मेरे पास 50 रुपये तो क्या करूँगा, नहीं दूँगा फिर, है ना, फिर देने टाइम पे सोचूंगा चार बार कि ना यार इसे दूँ या इसको दूँ। सेलेक्टिविटी बढ़ जाती है जब पैसा कम होता है ना, और सेलेक्टिविटी घट जाती है जब पैसा ज़्यादा होता है। तो जब सेलेक्टिविटी घट जाती है उस केस में बेस होएगा, ठीक है, तो बेस वाला क्या करेगा, बेस सोचेगा नहीं, वो तो चार्ज फेंकेगा, उसे फेंकना है। अब ओ एच माइनस आया, अब वो क्या करेगा, वो यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ सी एच टू एच, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे बना देता हूँ, ये एच एच और एच, ठीक है। तो ये ओ एच माइनस आया और इस एच को ले गया, और जब ये एच जाएगा तो यहाँ पे जो चार्ज रहेगा वो ऐसे आएगा, और यहाँ से जो समझे ओ एच माइनस ने इस टर्मिनल हाइड्रोजन को खींच के ले गया। अब जब बताओ ओ एच माइनस इस एच को ले जा रहा है, किसको, एच प्लस को, तो ओ एच माइनस क्या हो गया, बेस, क्योंकि बेस किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ, एच प्लस क्या है, एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, एसिड और ये क्या है, बेस, तो एसिड बेस वाटर बन गया अलग।
और बचा क्या नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज ऊपर आता है और ऊपर जाने के बाद फिर जब यहाँ पे ज़्यादा बैलेंस हो जाएगी तो क्लोरीन हट जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, यहाँ पर आ जाएगी एल्कीन। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये डबल बॉन्ड मैंने ऊपर बना दिया, इधर बनाता कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये डबल बॉन्ड कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो सीधी सी बात कि OH माइनस घूम रहा था, वो वाला OH माइनस तो ऐसे रोटेट कर रहा था, ऐसे रोटेट कर रहा था पूरे में, ठीक है। उसके पास कम चार्ज था, वो ढूंढ रहा था कहाँ अटैक करूँ, कहाँ अटैक करूँ, कहाँ अटैक करूँ, उसने वेट करा और क्लोरीन को जाने दिया, जाने के बाद वो उस यहाँ लग गया, ये वाली रिएक्शन हो गई जिसको हम बोल रहे हैं SN1, ठीक है ना। लेकिन इस वाले केस में OH माइनस पे क्या है, ज़्यादा चार्ज है ना, ज़्यादा चार्ज, सीधी बात हमें हिंदी भाषा में बोलेंगे, तो ज़्यादा चार्ज होगा, वो उसके पास इतना टाइम नहीं है, वो पूरे में घूमेगा, वो तो कोने पे फेंक के भाग जाएगा, है ना, कि जाएगा जाके जो कोने पे मिल रहा H मिल रहा उसको कोने पर, H को दे लेकर भाग जाएगा, इसी को चार्ज दे दिया इसने, क्योंकि यहाँ पर था H प्लस, ठीक है ना, H प्लस को इसने चार्ज दे दिया, OH माइनस पे वाटर बन गए, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएंगे, ठीक है, अंदर आकर बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि क्लोरीन जाएगा यहाँ से, समझ रहे हो ना। तो ऐसी रिएक्शन जो होती है ये वाली, इस वाली रिएक्शन को, ये जो मैं इधर दिखा रहा हूँ है ना, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, समझ पाए क्या, क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेट हुआ है, क्या क्या एलिमिनेट हुआ देखो जरा, Cl और H दोनों एलिमिनेट हो गए, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है भैया, समझ पाएगा। तो ये था आपका पेन वाला क्वेश्चन था, जो कि जिसका आंसर तुमने नहीं दिया है ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, है ना। पेन तो मेरे पास ही रह गया अब, है भाई, पांचों पेन बच गए, देखता हूँ कितने दिन चलते हैं, पर देखो तुम उठा के मत ले जाना ऐसे और इसी बात पे हम एक हमारे एक बंदे, आ जाओ जल्दी आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ, हाँ। और देखो ये है हमारे पंडाल के पीछे से रसगुल्ले खाने वाले, कल बता रहे थे हनी सिंह, हनी सिंह, अच्छा हनी शर्मा, ठीक है ना। सो तो ये पेन मैं इनको देना चाहिए था मुझको, नहीं नहीं पेन आज नहीं मिलेगा, क्वेश्चन का आंसर दिया तुमने, नहीं दिया ना, तो पेन कल दोगे, कल क्वेश्चन का आंसर देगा लड़का, कल पेन मिलेगा इसको, ठीक है ना, आज पेन नहीं मिलेगा, चलो कोई बात नहीं। आप इसी बात से जो है बोल दो, क्या कहना, लाइक कमेंट शेयर एंड सब द्वारा 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 जो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब ओके ठीक, क्या चीज, इंग्लिश अंग्रेजी, अंग्रेजी इधर, अंग्रेजी इधर को, इधर को आओ, ये सुनो मेरी तरफ से रख लो एक, है ना, कोई बात नहीं लड़का, चल सामने से, अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे देखो इसने आंसर दिया नहीं है मुझको, लेकिन मुझे इसकी शिकल अच्छी लग रही है अरे ना ना सुनो सुनो सुनो, वैसे इसने मुझे आंसर नहीं दिया है, वैसे इसने मुझे आंसर दिया नहीं है, लेकिन मुझे इसकी शिकल अच्छी लग रही है, और इसने जो एक अच्छा सा डायलॉग मारा है, क्या बोला था, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, इसीलिए मैं इनको पेन देता हूँ, लीजिए साहब, थैंक यू वेरी मच, ताली बजाइए, ठीक है, थैंक यू, आ जाओ। और शशांक, शशांक शिवांक, देखो इन्होंने भी मुझे आंसर नहीं दिया है, ठीक है, इन्होंने मुझे आंसर नहीं दिया है, लेकिन मैं इनको पेन बांट दूँ ना, अच्छा रहेगा ना, ठीक है ना, ये लीजिए पेन, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, देखो बिना आंसर के दिए मैं पेन बांट रहा हूँ, देख लो भैया, अब अगले क्वेश्चन पर डबल आंसर देना, अगले क्वेश्चन पर डबल आंसर देगा लड़का, चलो आ जाओ, बोल दो कुछ, है ना, बोल दो, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब अवर चैनल, ये अंग्रेजी अच्छी जाड़ता है, थैंक यू, ओके, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। सो भाई तो दो दो पेन फ्री में बट गए आज मेरे, है ना, अब बचे तीन, हाँ इनको बांटेंगे अगली अगली बार बांटेंगे, एक आंसर तो दे दो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा रहेगा, आंसर तो देते नहीं हो, ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।